What is the electronic configuration? What is the peer number? And what is the group number? And what kind, what is the formula of the halide, that is chloride? What is the formula of chloride? The element having atomic number 14, write down electronic configuration, find out its group number, find out its peer number, what kind of chloride it is forming, write down the formula of chloride, and write down the formula of a neutral oxide. Write down the formula of halide only. Chloride. Atomic number kya hai bete? 14. So 2, 8. The peer number is 3 and the group number is 14. Now, what kind of chloride it will form? It will form like A, if it is A, but kiska hota hai bete 14? Silicon. So it will form SiCl4. अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे भी एक पेपर में बहुत बारी पूछा गया. अ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, ठीक है, व्हाट इज द ग्रुप नंबर, व्हाट इज द पीयर नंबर, एंड राइट डाउन टू ऑक्साइड एंड विच वन इज बेसिक एंड विच वन इज न्यूट्रल. Write down the two oxides, which one is basic and which one is neutral. Write down the oxides. So we take the atomic number 6, the electronic configuration will be 2, 4, and hence it belongs to peer number 2 and the group number will be 14. See, the number of shells tells you about the peer number and the large electron in the valence shell tell about the group number. So there are 2 shells, so the peer number is 2 and in the large shell there are 4 electrons. Group number is 14. So this is nothing but a carbon. So carbon will form CO and CO2. Now CO is a neutral and CO2 is a acidic oxide. This is not a basic acidic oxide. ठीक है जी. तो आपको neutral और acidic oxide के बारे में पता होना चाहिए दोनों की. इसके ऊपर बहुत questions आते हैं. Carbon monoxide is a neutral oxide. ऐसे बेटे और भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं. टुडे आई एम गोइंग टू गिव योर द प्रॉपर्टीज एंड देन वी विल स्टार्ट विद द लिमिटेशन एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल जो आपका ओरल टेस्ट है. आप खुद मुझे बताओगे क्या आपको लिमिटेशन लगती है और क्या इसके एडवांटेजेस है. तो प्रॉपर्टी फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियस. यू हैव टोल्ड मी दैट यू हैव डन ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर. ठीक है जी. बट फिर भी एज अ टीचर आई हैव टू टेल यू अगेन टू लिसन इट अगेन. ठीक है जी. एटॉमिक रेडियाई टेकिंग द एग्जांपल ऑफ बेटे द फर्स्ट पीयर दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम. इसमें आपको इतना नहीं पता चलेगा. See, बेटे इन अ पीयर वी नो इन अ पीयर द शेल्स आर नॉट चेंजिंग. ठीक है. शेल रिमेन द सेम. अगर मैं सेकेंड पीयर की एग्जाम्पल लूँ तो सेकेंड पीयर में 2 ही शेल्स हैं. ठीक है जी.
शेल चेंज नहीं होती हैं, देयर इज अ न्यूक्लियस एंड देयर आर टू शेल्स अराउंड इट. अगर लिथियम के अंदर यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे वन है, ठीक. नेक्स्ट में बेटे बेरिलियम आ जाएगा, बेरिलियम में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो यहाँ ही बढ़ेगा, फिर बोरोन में एक बढ़ेगा तो यहाँ ही बढ़ेगा, देन कार्बन में, देन नाइट्रोजन में, देन ऑक्सीजन में, देन फ्लोरीन में, देन नियॉन में. शेल चेंज नहीं हो रही है. इसको ऐसे मानो बेटे न्यूक्लियस एक मैग्नेट है, मैग्नेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी. जब एक पीरियड में जाते हो पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो प्रोटॉन भी उतने ही बढ़ते हैं, ठीक है. अगर इलेक्ट्रॉन लिथियम में थ्री हैं तो प्रोटॉन भी थ्री हैं, और बेरिलियम में फोर हैं तो प्रोटॉन भी फोर हैं, अगर बोरोन में फाइव हैं तो प्रोटॉन भी फाइव हैं, कार्बन में अगर सिक्स हैं इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन भी सिक्स हैं. मीन्स अलोंग द पीरियड आते आते अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो आपके प्रोटॉन भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक. मीन्स अलोंग द, अगर न्यूक्लियस को एक मैग्नेट माना जाए तो अलोंग द पीरियड आते आते उस मैग्नेट का यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है एक पीरियड में जाते हुए, ठीक है. और आपने उस मैग्नेट के अराउंड आयरन की पिंस लगाई हुई हैं. पहले एक सर्कल है जिसमें सिर्फ टू पिंस पड़ी हैं आयरन की, फिर दूसरा सर्कल है जिसमें आप एक एक करके पिन इंक्रीज करते जा रहे हो. अब आपने वो सर्कल नहीं चेंज किया, आपका मैग्नेट का पावर इंक्रीज हो रही है मगर यू हैवंट चेंज द सर्कल. वो मैग्नेट क्या करेगा, उस सर्कल को अपनी तरफ खींचेगा. समझ आ रही है? ट्रैक नहीं चेंज हो रहा, सर्कल नहीं चेंज हो रहा. अगर फर्स्ट सर्कल में टू थे तो सेकंड सर्कल में फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर टू आया, फिर थ्री आया, फिर फोर आया, फिर फाइव आया, फिर सिक्स आया, फिर सेवन. एट को छोड़ दो, एट में साइज इंक्रीज होता है, वो आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड में समझते हो कि नॉर्मल गैसेस में वान डेर वाल रेडिया ही होता है, इनमें सिंपल रेडिया ही नहीं होता, तो एक्सेप्शन आ जाते हैं, ठीक है जी. अलोंग द पीरियड आते आते बेटे अटोमिक रेडियाई डिक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स उतनी ही रहती हैं मगर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज. वो न्यूक्लियर चार्ज किसके कारण बढ़ रहा है? वो न्यूक्लियर चार्ज प्रोटोन के कारण बढ़ता जा रहा है. अब मैग्नेट की पावर बढ़ती जा रही है, आपने सर्कल चेंज नहीं किए, आप पिन वही सर्कल में एंटर कर रहे हो तो पिन अट्रैक्टेड फील कर रही है, और वो अटोमिक रेडियाई हम कहते हैं एटम का रेडियाई छोटा होता जाता है. हम नोबल गैसेस में क्यों नहीं करते? वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जब आप मेडिकल नॉन मेडिकल करोगे तो वही बच्चे करेंगे, ठीक है जी. एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है अभी, ओके. तो न्यूक्लियस का पावर बढ़ता जाता है, साइज छोटा होता जाता है, ठीक है. अब आ जाओ डाउन द ग्रुप. हमें पता है डाउन द ग्रुप तो ये पीरियड नंबर वन है जिसमें एक ही शेल है, ये पीरियड नंबर टू है जिसमें टू शेल्स हैं, ये पीरियड नंबर थ्री है. जैसे सोडियम की बात करें तो यहाँ पे एक और शेल बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया. अब जब हम नीचे जाते हैं, शेल इंक्रीज कर रही है, पीरियड नंबर फोर है तो फोर शेल्स हैं, पीरियड नंबर फाइव है तो फाइव शेल्स हैं, पीरियड नंबर सिक्स है तो सिक्स शेल्स हैं, सेवन है तो बेटे जी सेवन शेल्स हैं. तो नीचे जाते वक्त शेल्स इंक्रीज कर रही हैं, आपने मैग्नेट के अराउंड सर्कल इंक्रीज करते जा रहे हो आप, ठीक है. अब जब आप सर्कल इंक्रीज करते जा रहे हो, क्या प्रोटोन नहीं इंक्रीज हो रहे? प्रोटोन भी तो इंक्रीज हो रहे हैं. हम ये तो नहीं कह सकते प्रोटोन इंक्रीज हो रहे. अगर हाइड्रोजन में वन प्रोटोन था तो लिथियम में थ्री हो गए, सोडियम में इलेवन हो गए, पोटेशियम में नाइनटीन हो गए, एंड सो ऑन. तो प्रोटोन इंक्रीज करते जा रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते. वी कांट निगलेक्ट कि मैग्नेट की पावर नहीं इंक्रीज हो रही, मैग्नेट की पावर भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है. तो हम ये कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, ये नहीं कहोगे कि आप न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज नहीं हो रहा. अगर इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप जाते जाते इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रोटोन्स भी तो उतने ही इंक्रीज कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं.
मगर ये जो शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं इनकी वजह से क्या होता है बेटे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। आप अकेला अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने की बात करते हो तो दैट इज रॉन्ग। बच्चे ज्यादातर लिखते हैं कि अटोमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। एज ए केमिस्ट्री टीचर आई विल आस्क यू, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने से क्या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज नहीं हो रहा? हो रहा है। तो क्या मैग्नेट इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा? मैग्नेट का चार्ज इंक्रीज करोगे अंदर से, उसको तो इलेक्ट्रॉन खींचने चाहिए, उसको पिंस खींचनी चाहिए, तो ये खींच नहीं पाएगा, उसको तो खींच देना चाहिए। साइज तो डाउनवर्ड भी डिक्रीज होना चाहिए। व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है? ये मैग्नेट है, ये फर्स्ट सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है बेटे, ये तीसरा है, ये फोर्थ है। अब अंदर नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, वो बाहर के नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को पास आने से स्क्रीन कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ आ रही है? तो स्क्रीनिंग, हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जितना न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहिए माइनस माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही है? मान लो ये मैग्नेट है, आपने एक सर्कल लगाया, तो ये दूसरा है, ये तीसरा है। जो अंदर वाले सर्कल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं पास आने से। समझ आ रही है? क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज हैं और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज हैं। अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत भर गए हैं, 2, 8, 18, 32, 64 ऐसे होते जा रहे हैं, ठीक है? तब इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पास आने से रोकेंगे। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मैग्नेट में कोई कमी नहीं है। अगर 2, 8, 18 हुए हैं तो प्रोटॉन भी 2, 8, 18 ही हुए हैं। समझ आ रही है? तो न्यूक्लियर चार्ज में कोई कमी नहीं है। न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। व्हाट इज डिक्रीजिंग देन? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, तो उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है। समझ आ रही है? तो आपको ये कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए बेटे। अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम एंड न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज बाय 1 यूनिट, दस द रेडियाई विल डिक्रीज। ठीक है जी? डाउन द ग्रुप आती होते नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं, एंड व्हाट डज डिक्रीज? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीज। द न्यूक्लियस कांट प्लेस इट्स इफेक्ट कि वो अब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाए। ठीक है? गॉट द पॉइंट? आप जब जेईई एंड नीट्स की तैयारी करते हो, आप इवन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना सीखते हो। एक स्लेटर रूल करेंगे जो हम +1 में नहीं करेंगे, पर जेईज वगैरह में आप करोगे, उस रूल के हिसाब से आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में निकालना सीखोगे कि किन का न्यूक्लियर जो शील्डिंग फैक्टर स्लेटर जो आपको शील्डिंग कांस्टेंट निकालना सिखाएगा, जिससे आप सीखोगे कि किसका शील्डिंग ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। ठीक है जी? वो हम आपके हाईएस्ट स्टैंडर्ड सी बात हैं। समझ आइए? एटॉमिक रेडियाई बेटे जी, अलोंग द पीरियड, हमेशा एटॉमिक, हमेशा तो हम बात नहीं करेंगे, इसमें भी आप बड़ी अनोमलीज करोगे क्लास +1 +2 में। डाउन द ग्रुप हमेशा आप इंक्रीज भी नहीं करोगे, इसमें भी अनोमलीज करोगे, कहीं पे डिक्रीज भी होएगा, वो +1 में ही बातें करेंगे जब हम डिफरेंट पीरियड्स की बात करेंगे, डिफरेंट ग्रुप की बात करेंगे। 10th तक आप यही समझो कि अलोंग द पीरियड डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, ये सिर्फ 10th तक समझो। ठीक है? +1 में जाके हम जब गैलियम पे आएंगे, हम कहेंगे इसका डिक्रीज हो गया, अब क्यों हो गया, वो तब सिखाएंगे हम आपको, तो बड़ी कुछ आएगा, वो हाई स्टैंडर्ड में सीखते हो। एक्सेप्शन, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, ये 10th तक विदाउट एक्सेप्शन सीखते हो। ओके? अब इसके अलावा आपकी क्या है, नेक्स्ट क्या है आपके? मेटेलिक प्रॉपर्टीज।
तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, अब ये ध्यान से समझो, मेटल क्या है? मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन दे दे, नॉन मेटल क्या है जो इलेक्ट्रॉन ले ले, मतलब हम मेटेलिक उसको कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो जल्दी से, है ना, और नॉन मेटल उसको कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन ले रहा हो जल्दी से, यही मेटेलिक नॉन मेटेलिक है, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन किससे आप जल्दी से दे पाएंगे, अब आपको पता है, अब आपने पढ़ लिया कि पीरियोडिक टेबल के इस तरफ सारे मेटल्स हैं, बीच में भी मेटल आते हैं ट्रांजिशन, इधर आके नॉन मेटल आने शुरू हो जाते हैं, आते कि ना आते नॉन मेटल, इधर एंड में आके नॉन मेटल आते हैं जाके, बाकी सारे मेटल्स हैं, है ना, बीच में मेटलॉइड्स भी हैं पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में मैं इधर की बात कर रही हूँ, ठीक है जी। एस ब्लॉक में अल्कली अल्कलाइन पड़े हैं, डी ब्लॉक में ट्रांजिशन पड़े हैं, एफ ब्लॉक में इनर ट्रांजिशन पड़े हैं, इवन कुछ मेटल्स आपके पी ब्लॉक में भी पड़े हैं, नॉन मेटल्स हैं ही पी ब्लॉक में, उसके अलावा कहीं नहीं है लास्ट में जाके, ऐसा क्यों? अब ये देखो ध्यान से, मेटल्स क्या होते हैं बेटे जी, जो इलेक्ट्रॉन लूज करें, लूज करें, अब अलोंग द पीरियड आके साइज छोटा हो रहा है, ये न्यूक्लियस है, साइज को आपने कर दिया छोटा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास पहुंच गए, है ना, मैग्नेट के पूरे इन्फ्लुएंस के अंदर है, हम खींच पाएंगे इलेक्ट्रॉन से? हम नहीं खींच पाएंगे, मैग्नेट के पास इलेक्ट्रॉन है, हम एक और इलेक्ट्रॉन दे देंगे वो फिर से चिपक जाएगा साथ में, समझ आ रही है? तो अलोंग द पीरियड आते आते वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की टेंडेंसी रखता है, तो ये क्या बन जाता है, नॉन मेटेलिक रिएक्टर इंक्रीज करता है, मेटेलिक रिएक्टर डिक्रीज करेगा, क्योंकि गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, समझ आ रही है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होगी, क्यों, एटॉमिक रेडियस छोटा हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या है, अच्छा नॉन मेटल है, ठीक है जी। अब आ जाओ डाउन द ग्रुप, आ जाओ डाउन द ग्रुप, अपनी इलेक्ट्रॉन तो संभाल ले जा नहीं रहे हैं, साइज बढ़ता जा रहा है, शेल बढ़ती जा रही है, इनसे अपने इलेक्ट्रॉन तो संभाल ले जा नहीं रही है, और इन्होंने कहाँ से रिसीव करना है, ये कहेंगे फर्स्ट ग्रुप वाले एक इलेक्ट्रॉन देने को तैयार बैठे हैं, सेकंड ग्रुप वाले दो इलेक्ट्रॉन देने को तैयार बैठे हैं, थर्ड ग्रुप जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो तो नहीं कितने को देते हैं, वो तो देते ही रहते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके पास डी के भी इलेक्ट्रॉन है, एस के भी इलेक्ट्रॉन है, कहते इलेक्ट्रॉन लो, क्यों, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज बड़ा है, न्यूक्लियर चार्ज इतना नहीं है, नंबर ऑफ शेल्स नीचे जाते वक्त बढ़ती जा रही है, तो ये क्या है, मेटल्स हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन हम निकाल पाएंगे, मेटल्स वो होते हैं बेटे जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो ये जो अगर हम लिथियम से लेके सीजियम तक जाएं तो मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, हम तो चुटकियों से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर गया आपके मैग्नेट के पास, तो आपका इलेक्ट्रॉन पड़े ही नहीं है, तो हम बाहर से निकाल के ले जाएंगे, समझ आ रही है, तो ये टिपिकल मेटल्स हैं। अलोंग द पीरियड आ जाओ, लिथियम से बेरिलियम से बोरो, यहाँ पे देखो कार्बन के बाद टिपिकली नॉन मेटल शुरू हो गए, ये तो नोबल गैसेस हैं, इनको तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो फुली फिल्ड बैठी हैं, फ्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्सीजन आसानी से लेता है, नाइट्रोजन आसानी से लेता है, तो ये सारे हमारे क्या जाते हैं, नॉन मेटल्स। क्या इनकी आपने ऑक्साइड कभी बेसिक सुनी है? नहीं सुनी। ये क्या होगी, एसिडिक। मेटल की ऑक्साइड क्या होगी, बेसिक, समझ आ रही है? इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एक लाइन सी लिखी हुई थी आपके एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाओ बेटे, यानी ये प्रॉपर्टी समझना,
एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स। क्यों है एफ ब्लॉक में एंटर हो रहे हैं सब सेल में? अब आपको पता है एफ सब सेल क्या होती है? फिर बस आपको हम प्लस वन में करवाएंगे, ठीक है जी। बेटे अभी तक आप बोहर मॉडल कर रहे हो, आपकी फीलिंग ऐसे हो रही है। अब आप जब क्वांटम मॉडल सीख लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम इसको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्यों इनको अलग प्लेस किया गया है, क्योंकि एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब अगर आपको क्वांटम के हिसाब से फीलिंग ही नहीं आती, तुम जो मर्जी फारसी भाषा बोलते हैं आपको नहीं समझ आने। सुने कहां, जब पढ़ाई नहीं तो सुने कहां सुनेंगे। आपको ऐसा कुछ नहीं आता, आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट से ही क्वेश्चन आता है। यू आर नॉट इन 11th स्टैंडर्ड, फर्स्ट 20। हाँ तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है उसमें, प्रोटॉन बहुत ज्यादा है। एनटीएससी के लिए तो आपको मैंने करवाया है, तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन आपको करवाई है एनटीएससी के लिए, तो अब फिर से कल से स्टार्ट है, फिर से करवा देनी है, ठीक है जी। कोई बात नहीं, हमने तो पढ़ाना ही है बेटे, क्वांटम मैकेनिक्स करवानी है, आपको याद ही नहीं रहती इतना कौन सा आपको समझ आ गई बेटे। So metallic reactor down the group increases and non-metallic reactor along the period increases and metallic reactor along the period decreases down the group। क्या होता है आपके पास सीधा इतनी बड़ी सीरीज की एग्जाम्पल है कि लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हुए मुझे नॉन मेटल नजर आ रहा है। लिथियम एक मेटल है, फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो मेटेलिक रिएक्टर क्या हुआ, डिक्रीज किया। समझ आ रही है? मेटेलिक रिएक्टर क्या हुआ बेटे, डिक्रीज हुआ। डाउन द ग्रुप मेटेलिक रिएक्टर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। फॉर द पॉइंट, यस। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपने ध्यान से समझो, मिलेगा। इसको समझो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टग ऑफ वॉर है ना, आपने दस्ता खींचते हो। उस टग ऑफ वॉर में जो ताकतवर है ना, वो रोप को एक तरफ ले जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक टग ऑफ वॉर है। हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लिया, बस इनाफ। दो प्रॉपर्टी और बात करते हैं बेटे हम, आयोनाइजेशन इनथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी। वो हम सिर्फ एनटीएससी या प्लस वन में ही बातें करते हैं उसकी। अभी आप सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीखो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम शेयर्ड कोवलेंट बॉन्ड की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो प्रॉपर्टी है ना, वो एक अकेले एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। That is not a property of individual atom. It is a property when atom is turned into molecule. पहली बात, ठीक है? आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन में बॉन्ड establish कर दिया, वो बॉन्ड क्या है, एक कोवलेंट बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड आपको सबको पता है वो कैसे बनता है, by shearing, ठीक है जी। आयनिक बॉन्ड कैसे बना था, बाय ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से। अब एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन में आपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दिया था, करवाया था ना कार्बन कंपाउंड्स में, पता नहीं ऑनलाइन में करवा दिया था, ठीक है। तो जब आप दोनों हाइड्रोजन थे, दोनों की सेम पावर है, कोई ज्यादा, कोई जिसके पास ज्यादा पावर नहीं है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन बीच में ही रह जाते हैं। दो क्लोरीन को आपस में आपने लगाया, दोनों की पावर सेम है, इलेक्ट्रॉन बीच में ही रह जाएंगे। सेम है ना पावर, एटॉमिक रेडियस भी सेम है, प्रॉपर्टी भी सेम है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। दो हाइड्रोजन एक जैसे हैं, दो क्लोरीन एक जैसे हैं, दो नाइट्रोजन एक जैसे। जब N2 बनाते हो
सब एक जैसे हैं। बात आई जब हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन में कोवलेंट बनाया, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग में और क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिया और हमने बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। रब गुंजा कोई बात नहीं, एनटीएससी में भी करना ठीक है जी। बस ये शेयरिंग वाला बॉन्ड है, देख ले बोर्ड पे। जब शेयरिंग का मतलब है दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दें, दोनों ने दिया। जैसे कि मैं टू स्टूडेंट्स को रो पकड़ा दूं, एक इस तरफ है बेटे एक इस तरफ है, बीच में हमने टू बॉल्स लगा दी और रोप है प्लास्टिक की, ठीक है जी, रोप प्लास्टिक की है। अब जिसकी जिसके पास पावर ज्यादा होगी, अब ये कि बॉन्ड टूट भी नहीं सकता बेटे, वो बॉल है नेगेटिवली चार्ज, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक रोप है जो इलास्टिक की बनी हुई है और उसके ऊपर दो नेगेटिवली चार्ज आपने प्लेस कर दी बॉल्स, ठीक है। अब जिसके पास पावर ज्यादा होगी टग ऑफ वॉर में, उसकी तरफ चली जाएंगी वो नेगेटिवली चार्ज, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिससे दूर गई उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अब ये दो इलेक्ट्रॉन थे बेटे, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया था और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया था, ये दोनों नेगेटिवली चार्ज थे, इन दोनों में हुई टग ऑफ वॉर, ठीक है। क्लोरीन ज्यादा ताकतवर है, क्यों? क्लोरीन में प्रोटॉन ज्यादा है, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, उसका मैग्नेट की पावर बहुत ज्यादा है। वो क्या करेगा, इन अपना इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ही खींचेगा अपनी तरफ और हाइड्रोजन का भी खींच लेगा। अब ये जब इलेक्ट्रॉन हल्के से इस तरफ ड्रिफ्ट होंगे, अपना तो इसका गया ही गया, हाइड्रोजन का भी इस तरफ ले गया, वो हाइड्रोजन से दूर चले गए ना, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जाने शुरू हो जाते हैं। समझ आ रही है? तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए प्रॉपर्टी, नैना जाओ भी, प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि वो किस में पावर है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो प्रॉपर्टी है बेटे, वो भी अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती है। आपको पता है सिर्फ एक अटोमिक रेडियस ही है जो अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। हम केमिस्ट्री में बाकी सारी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हम कहेंगे अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज, डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज। ऐसा क्यों? अलोंग द पीरियड आते आते न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अटोमिक साइज छोटा होगा, जब एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, वो दूसरों के भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, अपने इलेक्ट्रॉन तो संभाले नहीं जा रहे, दूसरे के कहां से खींच लेगा वो, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। और ये प्रॉपर्टी अकेले एटम की नहीं होती, ये एक शेयर्ड पेयर की होती है, और शेयर पेयर कोवलेंट बॉन्ड, और ये कौन सा शेयर पेयर, जब आप डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम देखते हो, सेम एटम्स में ये प्रॉपर्टी नहीं लग सकती,
दो हाइड्रोजन है एक जैसे हैं, दो क्लोरीन है एक जैसे हैं, दो ऑक्सीजन है एक जैसे हैं, जिसके पास एटॉमिक रेडियस छोटा होगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, वही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। समझ आ रही है? तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी लगती है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के ले जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाता है उस एटम के ऊपर, और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाता है। समझ आ रही है जी? गॉट द पॉइंट? ठीक है जी। तो हाइड्रोजन से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे? क्लोरीन, जैसे कि वाटर है, ठीक है, वाटर, वाटर पॉलर क्यों है? देखो ये वाटर है, वाटर में जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इन दोनों से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, एक से नहीं खींचता, दोनों से ही खींचता है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है, और इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है। समझ आ रही है? देखो ये, हाँ,